वेल सभी को नमस्कार। वेलकम टू द गेटवे टू सक्सेस, एक ऐसा पावरफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसने हजारों लोगों की आज जिंदगी बदल के रखती है। माय फ्रेंड्स, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। एवरीवन इज इन अ रेस टू गेट सक्सेस, हर एक आदमी कामयाबी की रेस में लगा हुआ है। लेकिन सक्सेस का रियल मतलब क्या है? व्हाट एग्जैक्टली सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? तो इसको जानने के लिए मैं आपको इस लाइफ पे लेके जाना चाहता हूँ जहाँ पे हर वर्ग के लोग हैं। इस फोटोग्राफ में हर तरह के लोग हैं, हर बैकग्राउंड से हैं, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेके पॉलिटिशियन से लेके एडवोकेट, किसान, क्रिकेटर, एक्टर, एम्प्लॉई, उसके साथ साथ डॉक्टर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, हर तरह के लोग हैं। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इन लोगों में सबसे कामयाब व्यक्ति कौन है, हर एक व्यक्ति अपने फील्ड में कामयाब है ऑफकोर्स, लेकिन मैडम अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा कामयाब व्यक्ति कौन है, तो आप किसे चुनोगे? जी हाँ माय फ्रेंड्स, यू गेस इट राइट, इट्स मुकेश अंबानी। ये सवाल मैंने हजारों लोगों को पूछा है मेरे सेमिनार्स में, और ज्यादातर लोग कहते हैं मुकेश अंबानी इज द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन दिस एंटायर पिक्चर। तो माय फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी को ही हम क्यों सक्सेसफुल मानते हैं? क्योंकि अब मानो या ना मानो, आज के समाज में वेल्थ क्रिएशन इज अ मेजर ऑफ सक्सेस। यानी हम आज के समाज में हम उन्हीं को कामयाब मानते हैं जिनके पास ढेर सारा पैसा है। ऐसा क्यों है? Why exactly is like it is like that? तो माय फ्रेंड्स, इसका सवाल का जवाब है, that is because through wealth creation only we can realize our dreams। यानी संपत्ति से हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी ने हजारों करोड़ का घर का सपना देखा और उसे उन्होंने पूरा किया, क्योंकि उनके पास ढेर सारे पैसे थे। एक एरोप्लेन का सपना, एरोप्लेन अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, क्योंकि उनके पास ढेर सारा पैसा था। अवर सोसाइटी कंसिडर ओनली दोज पीपल हु रियलाइज दैट ड्रीम्स आर सक्सेस स्टोरी। ये हकीकत है। तो ये तो हो गया इनके बारे में, लेकिन एक आम हिंदुस्तानी के सपने क्या है, चलिए जानते हैं। पहला सपना है, हर एक व्यक्ति देखता है कि एक आलिशान अपना खुद का घर हो, एक कार हो, फॉरेन टूर्स हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स। लेकिन इन सपनों का होता क्या है हकीकत में? सपना तो है एक आलिशान कार हो, लग्जरियस कार, ड्रीम। लेकिन प्रोबेबिलिटी, यानी जो काम कर रहे हैं वही आने वाले 10, 20 साल या 30 साल करेंगे, तो हो सकता है एक छोटी सी कार ले ले, ये संभावना है। लेकिन हकीकत है एक एडजस्टमेंट भरी लाइफ, समथिंग लाइक दिस। घर का सपना है एक ब्यूटीफुल घर का, लेकिन प्रोबेबिलिटी है एक, हो सकता है 30 साल बाद एक फ्लैट ले ले। और रियलिटी है एक छोटा सा घर। फॉरेन टूर का सपना है फैमिली के साथ, प्रोबेबिलिटी है ससुराल जाए, और रियलिटी है मंदिर, एडजस्टमेंट की लाइफ। इसके साथ साथ बच्चों को अच्छा एजुकेशन कौन नहीं देना चाहता, बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्कूल का ड्रीम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है, यानी संभावना है एक मिडिल क्लास स्कूल में डाले। और द रियलिटी इज दिस। साथ ही साथ रिटायरमेंट के लिए कई सारे सपने हम देखते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ढेर सारा पैसा हो, ये ड्रीम है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है दिस, एंड रियलिटी इज समथिंग लाइक दिस। मानो या ना मानो, मेजॉरिटी ऑफ लोगों का के साथ, लोगों के सपनों के साथ होता यही है। तो ये तो हो गया कि मैंने आपको कुछ चीज़ें आपको बताई हकीकत के तौर पे जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में, ऐसे माहौल में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड से निकल के एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस को हासिल किया। क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हो? डेफिनेटली। आई वुड लाइक टू गिव यू टू एग्जांपल्स ऑफ रियली सक्सेसफुल पीपल, दैट इज वन इज मिस्टर अमिताभ बच्चन, मिस्टर अमिताभ बच्चन, और दूसरे सचिन तेंदुलकर। इन्होंने अपने फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसे कमाए हैं या सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बने हैं। हमारे फ्रेंड्स, इनके अगर मैं पूछूँ कि इनमें सबसे खास बात क्या है, कैसे इन लोगों ने एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल किया जो दूसरे लोग इनकी फील्ड में कर नहीं पाए, तो हमारे फ्रेंड्स कई सारे लोग बोलते हैं, सवाल का जवाब देते हैं कि इनके पास ढेर सारा टैलेंट है। टैलेंट है, डेफिनेटली टैलेंट मैटर्स अ लॉट, लेकिन टैलेंट के साथ उन्होंने कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम किया। जैसे उन्होंने किया, बिकॉज दे हैव कन्वर्टेड देयर हैबिट्स इनटू अ बिजनेस, मतलब उन्होंने उनकी आदतों को बिजनेस में कन्वर्ट किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ जी की आदत है एक्टिंग करना, विच इज़ वेरी नेचुरल फॉर हिम, एंड उसके साथ साथ तेंदुलकर जी की आदत है क्रिकेट खेलना। ये दो आदतें तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ
उन्होंने वहीं तक सीमित ना रहते हुए हमारे फ्रेंड्स, उन्होंने उस नाम को एक बिजनेस में कन्वर्ट किया, जैसे एडवर्टाइजमेंट। आज अमिताभ जी एक्टिंग से ज़्यादा पैसे कमाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, सचिन जी क्रिकेट से ज़्यादा पैसे कमाए उन्होंने एडवर्टाइजमेंट में। माय फ्रेंड्स, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं? ये सवाल आपके दिमाग में भी ज़रूर होगा। तो माय फ्रेंड्स, आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। नाउ द क्वेश्चन इज, कैन वी डू दिस? द गुड न्यूज़ इज यस, अ बिग यस। हाँ, हम और आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं। नॉट एग्जैक्टली द सेम, बट माय फ्रेंड्स, एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आप अपनी आदतों को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये कोई स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाता है, ये कुछ एक सीक्रेट है जो माय फ्रेंड्स मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। टू कन्वर्ट योर हैबिट्स इनटू बिजनेस, वी मस्ट फर्स्ट नो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारी आदतों को बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको पहले अपनी आदतों को जानना पड़ेगा। व्हाट ऑल हैबिट अ कॉमन मैन टू हैव, हमारी ऐसी कौन सी आदत है जिसको हम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो ध्यान से सुनिएगा, टू बेसिक हैबिट्स वी ऑल हैव। पहला है परचेजिंग, यानी हम ग्राहक है, हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं सुबह से लेकर रात तक, जन्म से लेकर मरने तक हमको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ है रिकमेंडेशन, या रिकमेंड करते हैं हमको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फैमिली मेम्बर्स या कोई जो जान पहचान वाले लोग हैं उनको रिकमेंड करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको जान के हमारे फ्रेंड्स अगर हम इनको बिजनेस में कन्वर्ट कर पाए तो हमारे फ्रेंड्स डेफिनेटली एक ढेर सारा पैसा या फिर बहुत सारा सक्सेस हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन द क्वेश्चन इज, हाउ टू कन्वर्ट दिस हैबिट्स इनटू रिवॉर्डिंग बिजनेस। तो सवाल ये है कि इन दो आदतों को हम बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये दो चीज़ें हम करते ही आए हैं बचपन से, लेकिन अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आपको अपनी आदतों को बदलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ दो चीज़ें बदलनी है, वो है परचेजिंग एंड रिकमेंडिंग। बदलना नहीं है, आपको सिर्फ बदलना है आपका ब्रांड और शॉप, जिस दुकान से आप ले रहे थे वहाँ से ना लेते हुए, राइट? आपको अभी मैं आपको जो रेकमेंड करने वाला हूँ वहाँ से आपको लेना है, और आपको वो ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं लेना है जो आप लेते थे, अभी जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रोडक्ट आपको ट्राई करना है। तो हमारे फ्रेंड्स, सिर्फ ब्रांड और शॉप बदलने से क्या इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है? जी हमारे फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताना चाहता हूँ, दो ऐसे ब्रांड्स को मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ जो आज के डेट में इंडिया में बहुत बड़े ब्रांड्स के तौर पर उभर रहे हैं, वो है ऑन एंड ऑन और एलिमेंट्स वेलनेस। इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आयुर्वेदिक, आयुष प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट, वेलनेस प्रोडक्ट, फूड सप्लीमेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट एंड होम केयर प्रोडक्ट। अभी ये प्रोडक्ट मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसीलिए अच्छे, ऐसा नहीं है, मैं रेकमेंड कर रहा हूँ इसीलिए आपको लेने की जरूरत नहीं है। माय फ्रेंड्स, आपको बता दूँ इन सारे प्रोडक्ट्स को कई सारे सर्टिफिकेट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, जैसे पेटेंटेड प्रोडक्ट्स है कई सारे, इसके साथ साथ वेजिटेबल कैप्सूल वाले प्रोडक्ट है, आयुष प्रीमियम सर्टिफिकेट, सबसे इंपॉर्टेंट आयुष मंत्रालय से प्रीमियम सर्टिफाइड प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल क्वालिटी का आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ ग्रास स्टैंडर्ड्स, FSSAI सर्टिफिकेशन, GMP सर्टिफिकेशन, दैट इज यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रोसर्टिकल रिसर्च से मतलब जर्नल में पब्लिश हुए ऐसे प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ क्लिनिकल ट्रायल टेस्टेड प्रोडक्ट, नॉन GMO, ब्रांसविक लैबोरेटरी USA, रैप्टोकॉस सर्टिफिकेशन, MHRA सर्टिफिकेशन, 100% स्टेबलाइज डायलिसिन वाले वाला प्रोडक्ट है अपने पास, के साथ साथ ग्रीन कार्ड एंड बायो कार्ड, ये सारे सर्टिफिकेट साबित करते हैं। अभी जो मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूँ ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाए हुए प्रोडक्ट है। तो मैंने फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट कौन से है और उससे पहले इन प्रोडक्ट्स को बनाने वाले लोग कौन? ब्रेन्स बिहाइंड द वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, उनमें सबसे टॉप में आते हैं डॉक्टर BBA नारायणा, वर्क एक्सपीरियंस 45 ईयर्स इन आयुर्वेदा, डाबर, हिंदुस्तान लीवर जैसे बड़े बड़े कंपनीज के लिए वो साइंटिस्ट रह चुके हैं, माय फ्रेंड्स ही हैज अ वास्ट एक्सपीरियंस एंड अ स्पेशलिस्ट इन आयुर्वेदा। मिस्टर KK राजेश एक मार्केटिंग जीनियस है जो 17 ईयर्स से हिंदुस्तान लीवर के लिए उन्होंने काम किया एज CEO। डॉक्टर पीटर जोसिन फ्रॉम लंदन, डॉक्टर KC गाउंडन जिनका एक्सपीरियंस डाबर, हिंदुस्तान लीवर जैसे कंपनीज में रह चुका है 35 ईयर्स का, डॉक्टर सत्यलाल पाटिल, डॉक्टर चलस्वामी, ये कुछ लोग हैं, कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने माय फ्रेंड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका एक्सपीरियंस रहा है, और उसके साथ साथ उन्होंने कई साल रिसर्च करने के बाद इन प्रोडक्ट्स को उन्होंने डिज़ाइन किया है।
अभी मैं आपको प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ ऑन एंड ऑन वेलनेस प्रोडक्ट। वेलनेस प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स है, होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एक्टिव प्रोडक्ट, इसमें कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इसके साथ साथ एलिमेंट्स वेलनेस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेंज है। एक एक करके मैं आपको प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करूँ। हमारे पास सोप से लेके फ्रैक टूथपेस्ट, हर्बल टूथपेस्ट, एलिमेंट्स का टूथपेस्ट है, इसके साथ साथ फेयरनेस क्रीम, फेस वॉश, शैम्पूस, एंटी डैंडर शैम्पू एंड कंप्लीट केयर शैम्पू, महाप्रिंगराज ऑयल, टी लाइट टी पाउडर, प्रीमियम टी पाउडर, उसके साथ साथ एक बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट रेंज है, दैट इज होम केयर प्रोडक्ट का, दैट इज लॉन्ड्री लिक्विड, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, डिश वॉश लिक्विड, फ्लोर क्लीनर, नीम, उसके साथ साथ टॉयलेट क्लीनर। अभी जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने वाला हूँ ये सब बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट, दैट इज हेल्थ केयर प्रोडक्ट, दैट इज वेलनेस प्रोडक्ट, 95 प्रीमियम हेल्थ रिंग, विच इज एन एंटी ऑक्सीडेंट हेल्थ रिंग फॉर कम्प्लीट हेल्थ, इसके साथ साथ न्यूट्रल लाइफ फॉर योर कम्प्लीट फैमिली, बच्चों से लेकर बड़ों तक, इसके साथ साथ स्पिरुलिना गोल्ड कैप्सूल फॉर्म में, सिट एंड बर्न फैट फॉर फैट रिडक्शन, डाइबा लाइफ फॉर डायबिटिक, न्यू वुमन जो एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है हमारे फ्रेंड्स, सैनिटरी नैपकिन विच इज डाइऑक्सिन फ्री 100% सेफ, इसके साथ साथ हमारे पास किनवा, ग्रेन्स एंड फ्लोर एक फूड सप्लीमेंट है। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट रेंज में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे पहला प्रोडक्ट है, दैट इज त्रिफला प्लस, कवच प्राश, मल्टीगार्ड ब्लड प्यूरीफायर, डेली डिटॉक्स, एलिमेंट्स वेलनेस का वेल हार्ट, बिलो 37 वुमन कंपेनियन फॉर मंथली पीरियड्स रिलेटेड टू बी प्रॉब्लम्स है लेडीज के लिए, इसके साथ साथ मान शक्तिमान फॉर मेंस परफॉर्मेंस, लिवर गेन एक लिवर टॉनिक लिक्विड एंड कैप्सूल फॉर्म में, नो वेदना जेल एंड कैप्सूल फॉर पेन रिलीफ, फाइट स्ट्रेस फॉर स्ट्रेस पीपल, चैंपी चैंपियन डेल फॉर कंप्लीट बॉडी मसाज, कॉफ मिल कफ रिलीफ फॉर्मूला, वूलिंग क्रीम जो आपके घावों को भरता है, एलिमेंट्स फीलिंग लिक्विड जो एनीमिया रिलेटेड प्रॉब्लम, एनीमिया एनीमिक मतलब खून की कमी को पूरा करता है, इसके साथ साथ एलिमेंट्स यूरी फ्लश लिक्विड जो यूरिनरी इन्फेक्शन एंड यूरिनरी स्टोन्स के लिए बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, इसके साथ साथ हमारे पास एलिमेंट्स प्रोटीन पाउडर है जो कॉम्बिनेशन है सोए पी एंड डे प्रोटीन का, वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन अवेलेबल इन द मार्केट जो कॉम्बिनेशन में है, इसके साथ साथ हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में स्प्रे मैजिक और न्यूट्रीऑन है, इट्स अ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो ग्रीन कार्ड्स एंड बायो कार्ड्स से सर्टिफाइड है। ये तो हो गया कम्प्लीट प्रोडक्ट रेंज के बारे में मैंने बताया, लेकिन अभी करना क्या है, बेनिफिट्स ऑफ कन्वर्टिंग योर हैबिट्स इनटू अ बिजनेस। पहला काम आपको करना है, दैट इज जैसे मैंने बताया परचेजिंग, आपको कुछ प्रोडक्ट परचेज करने हैं और यूज करना है, आपको जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रेकमेंड करना है। रेकमेंड करने के लिए आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा हमारे फ्रेंड्स, इस बिजनेस में, इस बिजनेस मॉडल में पैसा कैसे आता है, बिजनेस प्लान ओबी, बिजनेस प्लान बेनिफिट्स, या टोटली 9 टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स। एक है रिटेल प्रॉफिट जहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स आपको 10-40% डिस्काउंट रेट पे मिलेंगे, MRP एंड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, आप जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप एक डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हो जहाँ पे 10-40% आपको डिस्काउंट मिलेगा लाइफ लॉन्ग। सेल्स टर्नओवर बोनस में जो वीकली इनकम आप कमा सकते हो, परफॉर्मेंस बोनस, स्टाफ परफॉर्मेंस बोनस, रैंक इनकम, ओवरराइडिंग बोनस, लॉयल्टी बोनस, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स एंड रॉयल्टी इनकम, ये सारे जो इनकम्स हैं, बोनसेस हैं, ये मंथली बेसिस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो बस माय फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इनकम के बारे में डिटेल में बताना चाहता हूँ, वो है सेल्स टर्नओवर बोनस जो बहुत ही बड़ा इनकम है। तो सेल्स टर्नओवर बोनस है क्या, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ये वीकली कैलकुलेट किया जाता है सैटरडे और फ्राइडे के बीच में। आप कोई भी 100 रुपीज का प्रोडक्ट आपकी टीम में जब परचेज होता है तो माने फ्रेंड्स इट इज इक्वल टू 75 बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम माने कुछ पॉइंट्स कैलकुलेट किए जाते हैं, दैट इज एग्जैक्टली 75% ऑफ वॉट एवर यू परचेज, माने आप जो भी परचेस करोगे उसके ऊपर 75% बिजनेस वॉल्यूम रहेगा। अगर आपने 1000 का परचेस किया तो 750 बिजनेस वॉल्यूम होगा, अगर आपने 10,000 का खरीदा तो 7,500 का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा। तो उस बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर बिजनेस को मैच किया जाता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन 1 एंड ऑर्गेनाइजेशन 2 को,
उसके ऊपर आपको 12% कमीशन दिया जाएगा। ये कैसे होता है जरा डिटेल में हम जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, आप कुछ प्रोडक्ट परचेज करते हो, 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस के आपको प्रोडक्ट आपने खरीदे जिसका एक्चुअल MRP होता है 12,000, आपको डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे मिला है जो है 10,000 रुपीज, और 10,000 के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है 7,500। तो आप इस प्रोडक्ट को यूज करते हो और धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस बिजनेस के बारे में, इस बिजनेस और प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में बात करना शुरू करते हो। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जहाँ पे आपको टीम ग्रो करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन वन एंड ऑर्गेनाइजेशन टू, दो हिस्सों में बिजनेस को एक्सपैंड करना है। आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इस बिजनेस के बारे में बात करते हो और पहले हफ्ते में आपके दो लोग इस बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाते हैं और वो भी 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, मतलब 10,000 रुपीज का मतलब इट इज इक्वल टू 7,500 बिजनेस वॉल्यूम। यानी ऑर्गेनाइजेशन वन में पहले हफ्ते में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है एंड ऑर्गेनाइजेशन टू में 7,500 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। तो इस पूरे हफ्ते में जो आपका बिजनेस हुआ है वो है 7,000 मैच, यानी 7,000 पेयर। 7,000 पेयर के ऊपर आपको 12% कमीशन कैलकुलेट किया जाता है जो है 900 रुपये, जो आपको TDS डिडक्ट होकर आपके अकाउंट में फोर्थ वीक में क्रेडिट किया जाएगा, जिसके लिए आपको आपका पैन नंबर, पैन कार्ड और आपका बैंक पासबुक आपको देना जरूरी है, जहाँ पे जैसे आपका जो इनकम जनरेट होता है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। दूसरे हफ्ते में एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है, उदाहरण के तौर पर, जो आपके दो लोग हैं वो भी इस बिजनेस में एफर्ट अपना कॉन्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते, काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरे हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन वन में दो लोग जुड़ जाते हैं जिनका टोटल बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है 15,000, और ऑर्गेनाइजेशन टू में दो लोग जुड़ जाते हैं जिनका बिजनेस टर्नओवर हो जाता है 15,000। तो मान लेते हैं दूसरे हफ्ते में आपका टोटल टर्नओवर हुआ है 15,000 बिजनेस वॉल्यूम का, जिसके ऊपर आपको 12% कमीशन माने 1,800 रुपीज आपको उस पर्टिकुलर वीक के लिए मिल जाते हैं, दैट इज सेकेंड वीक। इसको जरा आगे लेके जाते हैं समझने के लिए। तीसरे हफ्ते में आपके बिजनेस में कुछ प्रोफेशनल लोग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो इनिशियल लेवल पे शायद पार्ट टाइम कर रहे थे या फिर धीरे से धीरे धीरे काम कर रहे थे, उनको ये बिजनेस की ताकत समझ में आती है और इस बिजनेस को वो थोड़ा सीरियसली लेते हैं, और तीसरे हफ्ते में आप और वो मिलके 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन वन में, एंड ऑर्गेनाइजेशन टू में 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो जाता है। हमारे फ्रेंड्स को मैच करेंगे तो 50,000 मैचिंग के ऊपर आपको 12% कमीशन तीसरे हफ्ते में जनरेट हो जाता है, विच इज 6,000 रुपीज। हमारे फ्रेंड्स धीरे धीरे आप, मतलब आपका इनकम ग्रो होना स्टार्ट हो चुका है, एंड दिस इज द पावर ऑफ टीम। हमारे फ्रेंड्स जो हम जॉब में नहीं बना सकते, हमारे फ्रेंड्स जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग टीम बनाते हैं, एंड हमारे फ्रेंड्स ये बिजनेस आपको ऐसा ही एक मौका दे रहा है जहाँ पे आप एक बड़ी सी टीम बना सकते हैं। डेफिनेटली ये एक प्रोसेस है। उसके साथ साथ चौथे हफ्ते में आपका थोड़ा और बड़ा टीम बन जाता है, जहाँ पे धीरे धीरे करके आपका बिजनेस वॉल्यूम जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो चौथे हफ्ते में ऑर्गेनाइजेशन वन में 2,00,000 का बिजनेस जनरेट हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन वन में 1,00,000 का बिजनेस जनरेट हो जाता है, माने एक साइड में 2,00,000 है, दूसरे साइड में 1,00,000 है। तो अभी कैलकुलेशन कैसे होगा, तो कंपनी 1,00,000 का ही आपको मैच करके आपको 1,00,000 के ऊपर 12% माने 12,000 रुपीज दे देगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन वन में अभी भी एक्स्ट्रा 1,00,000 है जो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, माने आपको जो एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम आपका जो जनरेट है, मतलब वहाँ पे जो बाकी है वो वेस्ट नहीं होगा, वो अगले हफ्ते के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा, एंड अप टू 1 करोड़ बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड किया जाता है जी हमारे फ्रेंड्स। तो ये है फोर्थ वीक का कैलकुलेशन। फिफ्थ वीक में एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पे, या 5 हफ्ते में या 10 हफ्ते में, कभी भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिया है, 5,00,000 का टर्नओवर आपका हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन वन में, 5,00,000 का टर्नओवर हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन टू में, हमारे फ्रेंड से 5,00,000 को अगर मैच करेंगे तो आपका टर्नओवर 5,00,000 के ऊपर 12%, यानी आपको 60,000 रुपये इस पर्टिकुलर वीक में मिल जाते हैं। उसके कुछ हफ्तों बाद एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले रहा हूँ कि 20,00,000 का बिजनेस जनरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन वन एंड 20,00,000 का बिजनेस जनरेट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन टू में, तो यहाँ पे 20,00,000 के ऊपर आपको मिलना चाहिए 12%, लेकिन माय फ्रेंड्स यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी आपको पे करती है, विच इज़
210,000 रुपीज माने 17,50,000 रुपए के ऊपर आपको 12% कमीशन दिया जाता है, जो होता है 2,10,000। यानी ज्यादा से ज्यादा आप हफ्ते में कमा सकते हो 2,10,000। यह है सीलिंग लिमिट, हमारे पास सीलिंग लिमिट 2,10,000 का है, ये कोई छोटी अमाउंट तो नहीं है। एंड मैं आपको बता दूं, आज इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में देर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल, सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो हफ्ते का 2,10,000 रुपए कमाते हैं। यानी अगर इतने सारे लोग कमा रहे हैं तो हमारे फ्रेंड्स अगला नंबर आपका भी हो सकता है। तो ये तो हो गया सीलिंग के बारे में। अभी इसके साथ साथ कई सारे इनकम्स है, जैसे रैंक इनकम है, ये 2% से 7% है। ओवर राइडिंग इनकम है, परफॉर्मेंस बोनस है जो हर महीना आप कमा सकते हो, स्टार परफॉर्मेंस बोनस है, लॉयल्टी इनकम है, अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स है, रॉयल्टी इनकम है, एंड एवरीवन हैज अ क्वेश्चन नाउ। ये सारे इनकम के बारे में बताने के बाद कई सारे लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आता है, हाउ कैन द कंपनी पे सो मच, वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम, इतना पैसा कंपनी देती कहाँ से है, इतना सारा पैसा आ कहाँ से है। टू गेट द आंसर वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड ट्रेडिशनल मार्केट, ये जानने के लिए हमको पहले ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक बिजनेस को समझना पड़ेगा। माने पारंपरिक बिजनेस में होता क्या है, एक मैन्युफैक्चरर कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करता है, वो डायरेक्टली कस्टमर को नहीं देता है, वो देता है सीएनएफ एजेंट को, सीएनएफ एजेंट अपना कमीशन रखते हुए वो देता है सुपर स्टॉकिस्ट को, सुपर स्टॉकिस्ट 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 से प्रोडक्ट जाता है, सब स्टॉकिस्ट से प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, होलसेलर से जाता है रिटेलर के पास, एंड रिटेलर से पहुँचता है कंज्यूमर तक। इसके बीच में कई सारे लोग हैं, सबसे इम्पोर्टेंट जो पैसा खर्च होता है वो है एडवर्टाइजमेंट में, कॉस्टली एडवर्टाइजमेंट, जहाँ पे इन सारे सेलिब्रिटीज को करोड़ों रुपए दिए जाते हैं इन प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के लिए। तुम्हारे फ्रेंड्स यहाँ पे कितना पैसा खर्चा होता है अगर आप देखें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 40-60% ऑफ मनी इज स्पेंड इन एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। 40-60% ये बहुत बड़ी रकम है, ये कितनी हो सकती है अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मैं आपको नेक्स्ट लाइन में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ जिस बिजनेस के बारे में और जिस मॉडल के बारे में, उसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कोई कंपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है और डायरेक्टली देती है कंज्यूमर, जो एक डिस्ट्रीब्यूटर भी है। यानी आप इस प्रोडक्ट को खरीदते ही आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बन जाते हो, यानी आप कंज्यूमर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर हो, मतलब आप ये आगे इस प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी डायरेक्टली कंज्यूमर को प्रोडक्ट दे रही है, वो प्रोडक्ट को यूज़ करता है और आगे अपने दोस्तों को रेकमेंड करता है या फ्रेंड्स को रेकमेंड करता है, रिलेटिव्स को रेकमेंड करता है। तो जैसे ही ये आगे बढ़ता है उनको अच्छा लगता है, वो अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को रेकमेंड करते हैं, इस तरह से ये बिजनेस आगे बढ़ता है। इस सिस्टम को कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट में बड़ी ताकत है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर प्रोडक्ट सेल होता है। एंड अगर आप पूछे तो क्या ये बिजनेस है, तो मैंने कहा डेफिनेटली इट्स अ बिजनेस, यस ये बिजनेस है, जहाँ पे कंज्यूमर को ढेर सारा पैसा कमाने का मौका है। तो आप कंज्यूमर के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बन रहे हो जब इस सिस्टम से आप प्रोडक्ट लेके लोगों को रिकमेंड करना स्टार्ट करते हो। तो ये पैसा कितना हो सकता है जो एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड होता है, तो इसके बारे में बताने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट दिखा, मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, जहाँ पे 2014 एंड 15 में एनडीटीवी प्रॉफिट का सर्वे ये कहता है कि हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, डाबर, कोलगेट एंड पीएनजी, ये बड़े बड़े कंपनीज का टर्नओवर कितना हुआ था और उसके ऊपर अगर वो 40% एडवर्टाइजमेंट के लिए खर्चा करते तो कितना पैसा होगा। हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 30,805 करोड़ रुपीज उनका टर्नओवर हुआ था इन द ईयर 2014 एंड 15। अगर 40% निकाला जाए एडवर्टाइजमेंट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में तो वो हो जाता है 12,322 करोड़। सो बिग अमाउंट, ये बहुत बड़ी रकम है। हमारे फिर ये रकम आज तक एडवर्टाइजमेंट डीलर डिस्ट्रीब्यूटर में बट रही थी। तो अगर आप सोच के देखिएगा, यही अगर पैसा एक कंज्यूमर को बिजनेस की तौर, बिजनेस को प्रमोट करने की तौर पर अगर दिया जाए तो हर कंज्यूमर लखपति करोड़पति बन सकता है, यानी आप और हम लखपति करोड़पति बन सकते हैं।
कि हमारे फ्रेंड्स ये एक ऐसा अद्भुत अपॉर्चुनिटी है जहां पे एक आम आदमी करोड़पति बन सकता है। तो अभी आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतना वंडरफुल, इतना ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग बिजनेस हमको दे रहा है। तो आई एम प्राउड टू प्रेजेंट द मोस्ट पावरफुल डायनामिक प्लेटफॉर्म टू कन्वर्ट योर हैबिट्स इनटू बिजनेस। आपके आदतों को बिजनेस में कन्वर्ट करने का ये सुनहरा मौका देने वाली कंपनी है MI लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। ये एक ऐसी अद्भुत कंपनी है जिसने हजारों लोगों की आज जिंदगी बदल के रख दी। हमारे पास इस कंपनी के बारे में जानेंगे, ओवरव्यूज ऑफ MI लाइफस्टाइल, रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई में, कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली, ISO 9001:2000 सर्टिफाइड कंपनी है, जीरो डेट कंपनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ 15 ईयर्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस ऑन सॉलिड फाइनेंशियल बैकग्राउंड के साथ साथ मेंबर ऑफ FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का सर्टिफिकेशन मिल चुका है। ये सारे सर्टिफिकेशन है और रिसेंटली वी आर प्राउड मेंबर ऑफ फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ऑल्सो। Don't change your habits. Just change the brand and shop. आपको अपनी आदतों को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना ब्रांड और शॉप बदलना है और लोगों को रेकमेंड करना है। All your dreams can come true. आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं। Lastly, my dear friends, जाने से पहले मैं आपको एक बहुत ही सीरियस क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। Now, a serious question. Why do we work and earn? हम काम क्यों करते हैं? तो जवाब आता है हमारी फैमिली के लिए, हमारे परिवार के लिए। क्या है वो जरूरतें जिसके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं? ये कुछ जरूरतें, दीज आर नीड्स ऑफ अवर फैमिली। जैसे फेस्टिवल एंड पार्टी के लिए पैसा चाहिए, घर के लिए पैसा चाहिए, कार, एजुकेशन, हायर एजुकेशन बच्चों का, स्कूलिंग हो सकता है, यूटिलिटी बिल्स हो सकता है, वेकेशन, क्लोथिंग, फूड एंड हेल्थ केयर, इन सारी चीज़ों के लिए पैसे की जरूरत है, इसीलिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे पूछूं इस इनकम में अगर व्हाट इफ 10% की कमी आ जाए किसी कारण की वजह से, तो क्या होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स, होता यह है कि हम छोटी मोटी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे 10% इनकम अगर ड्रॉप हो जाता है तो शायद हम पार्टी ना मनाएं। आप बोलेंगे कि चलो यार इस साल दिवाली नहीं मनाते। दूसरा, हो सकता है कि हम छोटे से वेकेशन पे जाने वाले थे, आप उसको ड्रॉप कर दो। कहाँ का सपना था, कुछ सालों के लिए हम आगे डाल सकते हैं, लेकिन माने पर सारी तो चीज़ें एडजस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वॉट इफ, क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूँ कि वो जो व्यक्ति है जो कमाता है, उस घर को चलाता है, अगर किसी कारण से वही ना रहे तो क्या होगा? ये इनकम जिसकी वजह से ये सारी जरूरतें पूरी हो रही थी, अगर वो व्यक्ति ना रहे तो इनकम नहीं रहेगा, तो क्या होगा? तो ये सारा चीज नहीं रहेगा। तो माय फ्रेंड्स, तो क्या इसके लिए कोई ऐसा सोल्यूशन है, कोई ऐसा रास्ता है जिसकी वजह से, जिसके थ्रू हम अपनी फैमिली को सिक्योर बना सकते हैं? पहली तो बात मैं आपको बता दूं, दिस कैन हैपन टू एनी वन, ये किसी के साथ भी हो सकता है, बट यू कैन प्रोटेक्ट योर फैमिली विथ माई लाइफ स्टाइल नॉमिनेशन फैसिलिटी। आपको एक खुशखबरी देना चाहूँगा, आप अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हो माई लाइफ स्टाइल नॉमिनेशन फैसिलिटी की। माने आप बिजनेस को स्टार्ट करते हो और यहाँ पे एक आपको मौका दिया जाता है जहाँ पे आप अपने नॉमिनी यानी आपकी वाइफ या आपके माता पिता को नॉमिनी रख सकते हो। अगर आपको भगवान ना करे कुछ हो जाता है, हमारे फ्रेंड ये सारा बिजनेस आपकी फैमिली के नाम से ट्रांसफर हो जाता है, यानी आप जो इनकम बना रहे थे वो इनकम आपकी फैमिली को ट्रांसफर किया जाता है। इज इट नॉट अ वंडरफुल हमारे फ्रेंड, इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट थिंग जो हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं, एक सिक्योरिटी टाइप ऑफ थिंग हम अपनी फैमिली को दे सकते हैं। तो समथिंग वेरी अमेजिंग अबाउट दिस कंपनी या दिस अपॉर्चुनिटी। तो माय फ्रेंड्स, पीस ऑफ माइंड टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर।
वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्दी लिविंग, अनलिमिटेड अर्निंग, सिक्योर्ड फ्यूचर एंड लाइफस्टाइल ऑफ ड्रीम्स। वेलकम टू माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच।